नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर के विषय में। सिंदूर जो कि सुहाग की निशानी होती है, सौभाग्य का प्रतीक माना गया है जी। और आज बहुत ही दिलचस्प जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती हूं, लेकिन आज जानकारी देने वाले हैं आचार्य जी। किस तरह से सिंदूर जो है इसका आपके जीवन से गहरा नाता है, किस तरह से आपके घर की खुशियों से सिंदूर का जो है एक संबंध रखता है, विस्तार से जानकारी देंगे आचार्य जी। आचार्य जी जानना चाहेंगे सिंदूर, सौभाग्य और साथ ही साथ सुहाग, ये कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या बताने वाले हैं आप? बिल्कुल, आज हम बताने वाले हैं कंचन जी कि सिंदूर जो कि आप लगाते हैं, सुहागन स्त्रियों का सुहाग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसको लगाने की क्या विधि होती है, क्या इसका खास महत्व होता है, और एक इससे जुड़ा हम महा उपाय आज आपको देंगे कि सिंदूर की महत्वता आपके जीवन में कैसे जो है बढ़ती जाए। और साथ ही साथ आज आपको बता दें जो हम किचन पिटारा लेकर आए हैं उसमें घर का जो कलह कलेश था बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आज से विद्यार्थियों का जो है बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है, उनके लिए बहुत ही खास, बिल्कुल खास मिशन सक्सेस, उनको हर तरीके से हर एग्जाम के अंदर सक्सेस कैसे दिलाने वाला है, बहुत सटीक और खास जानकारी आज लेकर आए हैं। और साथ ही साथ सिंदूर पर तो विषय हमारा है ही, बहुत जल्दी आपको सारी जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू हो गए और इसी के साथ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मिशन सक्सेस। हमारा मिशन है आपको सक्सेस दिलवाना इस बार के इम्तिहान में, परीक्षाओं में आप बिल्कुल नंबर वन आने वाले हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आप परीक्षाओं को बहुत ही अच्छे से फेस करेंगे और इसका रिजल्ट भी आपके जो है बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है, अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। हर दिन हम आपको देंगे एग्जाम्स के दिनों में मिशन सक्सेस। इसके अलावा आपका लकी अक्षर, आपका लकी साथी, पूरे 24 घंटे जो आपका साथ निभाता है, हर काम बना जाता है, आपका लकी चार्म, लकी अक्षर भी हम आपको आगे देने ही वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। ये एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए दिया जाता है। आप घर से निकलते हैं, आपको नहीं पता होता कि कौन सी घटना इंतजार कर रही है, बाकी ऐसा कुछ ना हो आपके जीवन में, आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, 24 घंटे का सुरक्षा कवच दिया जाता है आपको हर दिन। तो आज के दिन और कल के दिन लेकर चलें रक्षा कवच। मित्रों, आज का दिन मंगलवार का दिन है, 1 मार्च 2016। आज के दिन कैसे आप सुरक्षित रहें और क्या आपको उपाय अपनाना है ये आप जान लीजिएगा। घर से निकलते हुए हनुमान जी का, श्री हनुमान जी का आपको ध्यान करना है और गुड़ का सेवन करें और निकल जाएं, मात्र इतना सा उपाय, आप बिल्कुल सुरक्षित लौटेंगे। लेकिन यदि बुधवार आने वाले कल यानी 2 तारीख के लिए आपको किसी भी कार्य के निमित्त घर से निकलना है तो कैसे आप सुरक्षित रहने वाले हैं ये भी जानिए। आप एक सुपारी आपको लेनी है, ये बिल्कुल साबुत सुपारी होनी चाहिए और उस पर सिंदूर लगाना है, साथ ही साथ बप्पा को अर्पित कर जाइएगा। देखिएगा, विघ्न विनाशक है बप्पा, आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा और आप सकुशल वापस लौटेंगे। जी हाँ, आगे आपको बताने वाले हैं कि सिंदूर का महत्व क्या होता है। जो सुहागिन महिलाएं हैं इसे अपने सिर पर लगाती हैं और सुहाग की निशानी बताया गया है सिंदूर को, लेकिन इसका विशेष महत्व क्या है, पौराणिक महत्व, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। जी हाँ, ये एक ऐसा फॉर्मूला कह लीजिए आपको दिया जा रहा है जो हर स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बूस्टअप कर देगा और साथ ही साथ एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परीक्षाओं को देकर आएंगे और अव्वल भी आएंगे। मित्रों, मिशन सक्सेस यानी आपकी हर परीक्षा आज से होने जा रही है बिल्कुल सक्सेस।
मित्रों हम आपको बता दें, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आज यानी पहली मार्च से जो बोर्ड के एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं वहां पर पहुंचेंगे तो उनको कहीं फोबिया ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपस में बात करते हुए दिखाई देंगे, या फिर आप जब अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो अन्यत्र आपको कहीं जाना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, मिशन सक्सेस का उपाय यदि आप आज करके जाएंगे तो बिल्कुल सक्सेस होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, यदि बुधवार के दिन भी आपका कोई एग्जाम है कल यानी कि नेक्स्ट डे, तो भी आपको हम ऐसा उपाय देने वाले हैं कि आपका हर एग्जाम जो है सक्सेस हो, विषय कोई भी हो। तो इस उपाय को आप नोट करिएगा और हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा कल ATM@liveindia.tv पर। तो उपाय आप नोट करिए, आज यानी मंगलवार के दिन आपको क्या करना है ये जान लीजिए। आप परीक्षा के लिए जाते समय मां सरस्वती का बिल्कुल सच्चे मन से आप ध्यान करिएगा, बिल्कुल शुद्ध भावना रहनी चाहिए आपके हृदय में। और हल्दी से रंगे चावल और सफेद आप कपड़ा लीजिएगा, एक कागज में लपेट कर पूजा स्थल पर आप इसको रख दीजिएगा। बच्चे के माता पिता ये कपूर और लौंग जो है बिल्कुल जला दे वहां पर, देखिएगा आपका जो एग्जाम है बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। और यदि बुधवार के दिन आपका कोई एग्जाम है तो भी आपको नहीं घबराना है, मिशन सक्सेस आपका साथ दे रहा है। कल आज और कल आपकी हर जो एग्जाम देंगे उसमें हमेशा आपको अव्वल दिलाने की भरपूर जो है प्रयास करेगा। बुधवार के दिन आपको क्या उपाय करना है ये जान लीजिए। आप सात आपको चावल के दाने लेने हैं, ये साबुत चावल लीजिएगा आप, और हल्दी में गंगा जल मिलाकर आप इन दानों पर लगा दीजिएगा, अच्छे से रंग दीजिएगा उसे। और ये दाने अपने दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से आपको अपने घर के मंदिर में रख देने हैं। मां सरस्वती का आप ध्यान करिएगा, एम मंत्र का आपको मात्र 3 बार जो है जाप करना है। अब ये दाने विद्यार्थी अपने जेब में या पॉकेट में, क्योंकि एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो आपकी पॉकेट में आपको ये रख कर लेकर जाना है। अब परीक्षा शुरू होने से पहले, क्योंकि इनका प्रयोग अब असली जो प्रयोग शुरू होगा अब शुरू हो जाएगा, परीक्षा देने से पहले विद्यार्थी दाएं हाथ से उन चावलों को स्पर्श कर दें, क्योंकि ऐसा होता है मित्रों की परीक्षा एग्जामिनेशन रूम के अंदर जब आप जाते हैं तो चेकिंग वगैरह होती है, तो उससे आप ना घबराइएगा, उन चावल को पहले ही अपने किसी बैग में रख दीजिएगा और परीक्षा देने से पहले आप उन चावलों को स्पर्श कर लीजिएगा मात्र। मां भगवती सरस्वती की कृपा असीम असीम आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है बिल्कुल सक्सेस होगा। और आचार्य जी, मंगलवार है आज और आज के दिन जो बच्चे एग्जाम्स के लिए जा चुके हैं तो ये माता पिता उनके जाने के बाद भी ये प्रयोग अपना सकते हैं आज की तारीख का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जोधपुर से अविनाश जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछे आप। मैडम नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। श्री राधे, श्री राधे, प्रणाम भैया। श्री राधे, श्री राधे जी। अविनाश जी, मेरे लड़के के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 1989। समय? समय रात के 11:10। और प्लेस? जोधपुर। जोधपुर। क्या सवाल है आपका इनके लिए? एक तो इसके शादी के बारे में पूछना है जी, और दूसरा बिजनेस जॉब कैसा चलेगा कैसा नहीं जी। अभी ये कॉस्मेटिक का काम कर रहा है अभी ये जी। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि मिथुन लगन का आपके सुपुत्र का जन्मांक है और यहाँ पर जो उन्होंने कॉस्मेटिक का जो कार्य आरंभ किया बिल्कुल सही है। यहाँ पर बुध में शनि की अंतरदशा, लेकिन यहाँ पर 19 अप्रैल के बाद ही इनके विवाह से संबंधित जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें ये काफी सक्सेस रहेंगे और किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आने वाला। लेकिन उपाय क्या करना है ये भी आप जान लीजिए। सात हल्दी की साबुत गांठ लीजिएगा, उसको हो सके तो पीले वस्त्र में रख लीजिएगा या कोई पीला पेपर आप ले सकते हैं, उस पर रख के ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करिएगा और इन हल्दी की गांठों को आपने किसी केले के या पीपल के वृक्ष के नीचे रखाना है। ऐसा मात्र 5 वीरवार दिखाई करिएगा, लाभ जो है आपको त्वरित दिखाई देगा जी हाँ। और चलिए अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिंदूर के प्रयोग के बारे में। सिंदूर जो कि एक चुटकी सिंदूर जो होता है वो सुहागिन महिला जो होती हैं उनके लिए सिर का ताज होता है और सुहाग की निशानी है सिंदूर, लेकिन क्या है इसका असली महत्व, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मित्रों आपको बताएं कि सिंदूर का क्या महत्व है, बहुत अहमियत रखता है सुहागन स्त्रियों के लिए और साथ ही साथ पूजा पाठ में यदि देवी देवताओं को यह अर्पण ना किया जाए तो इसके बिना माना जाता है कि जो पूजा पाठ है वो अधूरा रह जाता है। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंदूर होता क्या है। सिंदूर का सीधा सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है, आप देखें, और सिंदूर जो है आपके मांगल्य और सौभाग्य का प्रतीक है। साथ ही साथ सिंदूर को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है,
लेकिन आपको एक बात और बता दें मित्रों कि सिंदूर कैसे लगाना है और क्या इसकी विधि रहेगी, इसका हम आपको सटीक प्रयोग बताएंगे और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है महा उपाय। जी हाँ, तो ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। सिंदूर जो कि मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है और आज मंगलवार है और इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती होगी आज के दिन, अगर ना केवल सुहागिन महिलाएं लेकिन सिंदूर को एक तिलक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है आचार्य जी, लेकिन अगर आज के दिन अगर इसका प्रयोग किया जाए माथे पर कोई अगर करना चाहे बच्चा या बिल्कुल वो महा उपाय के रूप में कार्य करेगा कंचन जी। जी हाँ, ये विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे ही, विधि भी बताएंगे इसके प्रयोग की, लेकिन इसके अलावा आप हमें कॉल भी कीजिए, नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं और मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी हमारी आप नोट कर सकते हैं kal@liveindia.tv, ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। घर का कलह कलेश जो है, यानी कि हर दिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में तू तू मैं बढ़ती ही जा रही है, घर में आप एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में किचन पिटारा आपकी मदद करेगा परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ आपका लकी अक्षर भी आपको हम देने ही वाले हैं। और वक्त हो गया है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे कि जीवन के किस वर्ष में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं आपके द्वारा होती हैं और ऐसा ना हो इससे आपका बचाव हो इसके लिए भी उपाय आपको दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है, आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1,000 रकम का DD। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जनसेवा बैंक के सामने, न्यू DP रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028, ईमेल kisancoop@gmail.com। पहली गेंद गई है पानी में भैया, भरपूर है, अब अगली गेंद और ये नो बॉल, बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा एक ग्लास पानी लेकर गया। जी बाबूजी पानी। ये पानी तो गंदा है। ये कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी बार बार पानी में फंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है, हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुँचता है। अब पानी में फंस नहीं, स्वच्छता करें। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, बात हो रही है सिंदूर के बारे में, सिंदूर जो कि सुहागिन महिलाओं का अभिमान है और ऐसे में 16 श्रृंगारों में से भी एक माना गया है सिंदूर को, और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष सिंदूर अर्पित भी किया जाता है, खास तौर पर माँ पार्वती को, और कुंवारी कन्याएं कहा जाता है अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी अगर सिंदूर अर्पित करती है मंदिर में माँ पार्वती को, देवियों को, तो ऐसा करने से उनके शीघ्र विवाह के योग भी बन जाते हैं। लेकिन खास विधि क्या है, कैसे लगाएं सिंदूर, आइए अब आपको ये बताते हैं।
मित्रों आपको बताएं कि विधि क्या है। सिंदूर का सीधा सीधा संबंध हम बता दें आपको कि मंगल ग्रह से हमने बता दिया और बता दिया कि स्त्रियों के सौभाग्य का यह प्रतीक माना जाता है, देवी पार्वती को प्रसन्न करने हेतु और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए आपको सिंदूर माँ भगवती को अर्पण करना ही पड़ता है। लेकिन इस सिंदूर को लगाएं कैसे, क्या है इसकी विधि, ये आप जानिए। बहुत ही सटीक ये जानकारी है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। आपको दिन प्रतिदिन हर मांगलिक कार्य में ये आपको काम आने वाली है विधि। एक चांदी या धातु की आप डिब्बी छोटी सी प्राप्त कर लीजिएगा और मां पार्वती को सिंदूर इसी डिब्बी के द्वारा आपने अर्पण करना है। और क्योंकि ये सौभाग्य और मंगल की आपको कामना करनी है, देवी पार्वती आपको सौभाग्य भी देंगी और हर आपके मांगलिक कार्य में आपको प्रसन्न रखने के लिए आपकी जो हर इच्छा होगी उसको अवश्य पूरा करेंगी इसी सिंदूर द्वारा। अब सिंदूर को मां गौरी के आशीर्वाद के रूप में आप अपनी मांग में लगाइएगा। जो हमारी सुहागन स्त्रियां हैं, बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, बिल्कुल उन्हें अर्पण करें। और साथ ही साथ लगाने की क्या विधि है, यह बहुत सटीक है जानकारी। दाएं हाथ से पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की मुख करके आपको इस सिंदूर को लगाना है। देखिएगा ये मां जो आप पार्वती को जब ये अर्पण करते हैं तो ये सिंदूर कैसे आपके सुहाग की भी रक्षा करता है, आपको सौभाग्य प्रदान करता है और आपका जो हर अमंगल जो कार्य हो रहा था घर के अंदर उसे मंगल कार्य के रूप में ये बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। जी हाँ, और आगे बताएंगे कि कब लगाना शुभ होता है सिंदूर, ये भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है लकी कॉलर? जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको दोबारा कॉल लगाएंगे क्योंकि ये हमारे लकी कॉलर हैं। और इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। मेल आईडी भी हमारी फ्लैश हो रही है कल, atm@liveindia.tv। ये सुबह के शो की मेल आईडी है। अर्चना शुक्ला नाम है इनका, जिनकी मेल हमारे पास आई है 17/8/79, इसकी इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4:25 PM झांसी। जानना चाहते हैं जॉब कब तक लगेगी और संतान सुख का योग कब तक बनेगा। देखिए अर्चना जी, आपको बता दें कि आपका जो जन्मांक है, सबसे पहले आप उस बारे में जानिए कि धनु लग्न का आपका जन्मांक बन जाता है और गुरु में राहु की अंतरदशा। देखिए थोड़ा सा जो आप संतान के लिए माफ कीजिएगा, यहां पर जो दशा है वो शनि में शनि की चल रही है, लेकिन चंद्रमा और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में। घबराइएगा नहीं, संतान आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके निमित्त आप संतान गोपाल यंत्र को अपने घर के अंदर स्थापित कर लीजिएगा और ठाकुर जी को आपने 5 पीले फल हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को अर्पण करने हैं। मात्र छोटा सा उपाय करिएगा और ठाकुर जी से बड़ा फल अवश्य प्राप्त करिएगा। जी हाँ, और एक बार फिर से हमारे लकी कॉलर जो है इनको हमने कॉल लगा लिया है और ये इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे भैया। सर जी मेरा नाम बब्बर भान है। बब्बर जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं फिलहाल मुंडलाना गांव पड़ता है रुड़की के पास। रुड़की, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर बन चुके हैं आप। थैंक यू मैम। जी बताएं कैसा लगता है आपको हमारा शो? मैम बहुत अच्छा शो लगता है, मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, जो उपाय बताए जाते हैं करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर जब आप ये लकी अक्षर बताते हैं जी जी, उसको भी मैं डेली यूज करता हूँ, मुझे बहुत फायदा मिला है मैम। बहुत अच्छी बात है। अब बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं आप बब्बर? मैम मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1987। 11 जनवरी जी। और समय बताएं? 1987 जी। समय 11:50 AM। और प्लेस? हाँ जी। जन्म का स्थान बताएं आप? सहारनपुर लोकल पड़ता है मैम। सहारनपुर जी। क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पिछले 3 साल से जॉब ट्राई कर रहा हूँ, मैंने एमबीए किया हुआ है एचआर से, बट मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही है जी। मैंने विदेश में भी ट्राई किया था, वहाँ पे मेरा काम नहीं हो पाया, बनते बिगड़ जाता है जी। और अभी एक इंटरव्यू भी दिया हुआ था लास्ट टाइम, उसमें मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया था जी। लेकिन अब वहाँ से कॉल नहीं आ रही, उन्होंने मेरा सिलेक्शन होल्ड पे रखा हुआ है जी। देखिए सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामना दें कि आज आप लकी कॉलर हैं, लेकिन आपका कार्य भी बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके निमित्त आप एक उपाय नोट करिएगा।
पांच आपने सुपारी लेनी है और आज जो हमारा विषय है सिंदूर, उसी सिंदूर के द्वारा उन सुपारी को आप जो है रंग लीजिएगा, उसके ऊपर एक एक रोली का तिलक करिएगा, ओम पम पशुपते नमः ऐसा कहते हुए ये आपको लगातार पांच दिन गणेश जी के चरणों में अर्पण करना है। इस उपाय को करिएगा, लाभ आपको त्वरित दिखाई देगा और साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर अगस्त 2016 के बाद आपको किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का वो समय जिसमें आपको रहना होता है बच के, यानी कि राहु काल। मित्रों, आज के दिन का आज हम आपको बताने वाले हैं राहु काल, जिस समय आपको बचना है। तो आज के दिन का समय नोट करिए आप, 3 बजे से 4:30 बजे तक का ये समय रहेगा। इस बीच आप कोई भी कार्य बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। और बुधवार के दिन का आप राहु काल नोट कर लीजिएगा, 12 बजे से 1:30 बजे तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने है, नहीं तो आपको हानि हो सकती है, इससे आप बिल्कुल बचिएगा। जी हाँ, किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो शुरू कीजिएगा वो काम बहुत ही अच्छे समय में, यानी कि गुलिक काल में। नोट कीजिए आज के दिन का, कल के दिन का गुलिक काल। आज 1 तारीख अर्थात मंगलवार का दिन, 1 मार्च, तो आपको कोई भी जो शुभ कार्य करना है आज के दिन आपको 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक करना है। इस बीच जो आप कार्य करेंगे निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। और यदि बुधवार के दिन कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसको आप 10:30 बजे से 12 बजे के मध्य करिएगा, आपका जो कार्य है निर्विघ्न रूप से संपन्न होने वाला है। जी, अब अंबाला से हमारे साथ सुखविंदर कौर जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे। मैम मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। मैम 5 सितंबर। जी 1987। जी समय। मैम 2:15 रात के। जी। और प्लेस। मैम हरियाणा, अंबाला जिला, हरियाणा, अंबाला। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैम एक तो इनकी जॉब नहीं लग रही है और एक हमें बच्चे के बारे में पूछना है, संतान सुख के लिए। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको जॉब के बारे में बता दें कि जॉब से संबंधित यहाँ इनको क्या उपाय करना है। इनको आधा मुट्ठी जौ लेना है, उस पर कच्चे दूध का छींटा देना है और किसी बहते पानी के अंदर प्रवाह कर देना है। ऐसा कम से कम इनसे 10 दिन लगातार कराइएगा, लाभ भी आपको दिखाई देगा। और संतान संबंधित जो आपने प्रश्न पूछा है, यहां पर शुक्र जो है सूर्य के साथ जो है अस्त हो चुका है। देखिए यहां पर थोड़ा सा विलंब है, लेकिन इस मार्च के बाद आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। इसके निमित्त आपको शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन आपने करना क्या है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, लेकिन पीले आसन पर बैठिएगा और पूर्व दिशा की ओर मुख करिएगा। जी हाँ, सिंदूर जो है लगाने का एक शुभ समय भी होता है। कब लगाना है आपको सिंदूर, ये हम आपको जानकारी देंगे ब्रेक के उस पार। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे पानी के अद्भुत प्रयोग के बारे में। जी हाँ, पानी जो है वो आपको बहुत कुछ दिलवा सकता है, ऐसा कुछ भी दिलवा सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ही अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे आपका इंतजार कर रही है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया इतने बल से जीत तो बल जीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है,
अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग। March 20th बुद्ध सर्किट। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नहीं बदली गई इनकम टैक्स की स्लैब, लेकिन 1% पॉल्यूशन सेस से होगी जेब ढीली। छोटे टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत, बड़ा पहला घर खरीदने वालों को भी मिलेगी राहत। पेट्रोलियम कंपनियों में ने आम आदमी को दी खट्टी मीठी सौगात। पेट्रोल 3.02 रुपए और प्रति लीटर हुआ सस्ता, वहीं डीजल 1.47 रुपए महंगा। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। बहस में राहुल भी ले सकते हैं हिस्सा। कांग्रेस उपाध्यक्ष के निशाने पर होगी मोदी सरकार। देश भर में आज से शुरू हो रही है CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा। इस साल रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा छात्र देंगे परीक्षा। पहले दिन 10वीं का IT और 12वीं का अंग्रेजी का पेपर। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलहा बरामद। मुरथल कथित गैंगरेप मामले में खट्टर सरकार ने पंजाब और हरियाणा को हाईकोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। SIT का गैंगरेप से इनकार, 14 मार्च को अगली सुनवाई। और T20 एशिया कप में टीम इंडिया आज श्रीलंका से करेगी मुकाबला। बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराने के बाद जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी धोनी ब्रिगेड। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सिंदूर। सिंदूर किस तरह से आपके सौभाग्य से जुड़ा हुआ है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। आचार्य जी, पति पत्नी के प्यार के रंग को और भी गहरा कर देता है सिंदूर जी। बहुत अहम जानकारियां आज आप दे रहे हैं। अब जानना चाहेंगे कि सिंदूर को कब लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है जी। देखिए कंचन जी, हमने पहले जानकारी दी कि सिंदूर जो है किन चीजों से जो है महत्व रखता है, क्या इसका ग्रह है, क्या इसको लगाने की विधि है, लेकिन अब वो समय भी आपको बता दें कि ये किस समय आपको प्रयोग में लाना है। वैसे तो हमारी जो सुहागन स्त्रियां और बहनें हैं जो भी हैं, वो भी इस सिंदूर को जो है नित्य प्रयोग करती ही हैं, लेकिन जो माँ पार्वती को आपने सिंदूर अर्पण किया था, उस सिंदूर को आपने कब लगा